तो ये काम कैसे होगा जब हम एक दूसरे के साथ दूसरी भी एनजीओ को पैरेलल में लेके चलेंगे, उससे दो बेनिफिट होगा, किसी को ईगो हटनी है। और इंसान जो होता है ना, या तो पैसे के लिए या अपने ईगो के लिए जान देता है। और यहाँ मेरा मकसद यही है कि हम किसी के ईगो के आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम करें और उनके हिसाब से नॉलेज हम उनको ट्रेन मसला क्या हो गया, इससे बड़ा एनजीओ और जो फाउंडेशन वगैरह खोल रहे हैं, मोस्टली ऐसे लोग खोल रहे हैं जिनको फाउंडेशन की स्पेलिंग नहीं पता है। सबसे जरूरी जैसे निजामुद्दीन भाई या आप जैसे लोग पढ़े हमको आगे आने की जरूरत है, जज्बा रहता है बच्चों का काम करने का, तो जज्बा है तो हमारा काम उनको सींचे। एक इंग्लिश में एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, इफ यू हैव अ विल देन यू हैव अ स्किल। अगर आपके पास जुनून और शिद्दत नहीं होगा ना, तो आपके पास कोई स्किल नहीं होगा। और मैं वैसे लोगों का वेलकम करता हूँ कि जो आदमी नहीं भी पढ़े लिखे हैं और वो चाहते हैं कुछ करना, तो वो अगर वो कुछ नहीं कर पाते तो उसके जिम्मेदार हम लोग ऐसे लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है, काम करते हैं समाज का उनको अगर हम नहीं ट्रेन करते हैं तो उसके जिम्मेदार कौन है, उनके जिम्मेदार जिम्मेदार है कोई। अगर मुझे कई मरतबा लोग बोले कि तुम्हारे मुस्लिम कम्युनिटी ये है वो है, एकदम स्पेशली डॉक्टर साहब, मैं उनको कहता हूँ वो नहीं है, उनके जिम्मेदार मैं। सही बात है, कोई किसी कम्युनिटी या रिलीजन की बात करता है या कंट्री डेवलप और कहीं भी, अगर पक्का वाकई मुसलमान है तो सबसे पहले देश प्यार करना। बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं, कुछ ऐसा मैटर होता है वो अपनी कंट्री का छोड़कर दूसरे कंट्री के बारे में, तो ये कंट्री के मसले छोड़कर सबसे बड़ी चीज है कि ये जब तक आप अपने वतन से प्यार नहीं करेंगे तो आप उस वतन के लिए कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन आपके जहन में ये हो गया कि मैं वतन से प्यार करता हूँ, तो कोई माँ का लाल नहीं है जो आपको उस वतन से आपसे बेहतर कर सकता, आपको बेहतर तभी आप खुलना है जब आप खुलना पड़े तो उसको अपना समझेंगे, अपना समझेंगे तो आप उनको सींचेंगे। अगर पौधा ही घर पे लगाते हैं तो उसको कौन सींचता है, लेकिन पड़ोसी का पौधा सूख जाता है हमें सींचता है। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। और हमारा जो माइंड ब्लॉक है ये सब है कि रिलीजन, ये सब रिलीजन हमारी बेसिक पिलर है, और इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जहाँ सिर्फ हमें मैनेजमेंट सिखाता है, उससे बड़ा मैनेजमेंट की किताब कोई नहीं है। हम दाढ़ी रखे हुए बड़ी बड़ी और इतनी अच्छी अच्छी गालियां बोलते हैं जो मतलब और कोई बात मत है। अभी परसों की बात है, मैं जा रहा था एयरपोर्ट जाने के लिए, तो ट्रेन बड़ा बटाला एक इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और टोपी लगाकर, और जहाँ पे लेडीज कंपार्टमेंट है वहां पर बैठा और खड़ा हुआ और पकड़ के ऐसा लटकने लगा कि लग रहा कि ये पौधा उठा लेगा ये कर, उसको मना करते रहे तो और जुनून में आ गया और जाकर मानो खुद में सॉरी माटुंगा मिलता। तो ये सब चीजें कैसे है कि जब तक आप उनकी बिहेव को नहीं चेंज करेंगे तब तक हम आप कुछ नहीं कर सकते। एटीट्यूड डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, और एटीट्यूड डेवलपमेंट करेगा मैं अकेला नहीं कर सकता। आज मैं 34 साल का हूँ, आधा वक्त निकल गया, लेकिन हमें लीडर पैदा करना। तो ये जगह हमारा मेन मकसद क्या है कि हम सिर्फ लीडर तैयार करें और वो किसी भी फील्ड का होगा। सारे कौमें मिल रहे जी, लीडर तो सारे कौमें मिल रहे थे और हम यहाँ पे हमारा